इधर कांग्रेस संगठन चुनाव की प्रक्रिया के तहत 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। इससे पहले रविवार को छत्तीसगढ़ में नव निर्वाचित पीसीसी डेलीगेट्स की पहली बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारियों के चुनाव का जिम्मा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपने का प्रस्ताव भी लिखा गया। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधियों की बैठक में सभी 307 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त प्रदेश चुनाव अधिकारी दलवई हुसैन, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, चरणदास महंत सहित कई मंत्री और पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद सीएम ने खुद मीडिया को प्रस्तावों की जानकारी दी। महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए। मोहन मरकाम जी ने एआईसीसी डेलीगेट का, पीसीसी चीफ, प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के गठन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को अधिकृत किया है और समर्थन मैंने, पीएस सिंहदेव जी ने और अन्य साथियों ने किया। दूसरा प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पुनः राहुल जी आरूढ़ हों, इसके लिए मैंने प्रस्ताव किया और सभी प्रस्ताव, दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास हुआ है और इसे उन्होंने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया कि प्रदेश अध्यक्ष का और एआईसीसी डेलीगेट्स का को मनोनीत करने का अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रहेंगे, तो ये प्रस्ताव पारित करके भेज देंगे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के कार्यकाल को मोटे मोटे तौर पर सफल माना जा रहा है, इसलिए हाईकमान एक बार फिर उनके नाम पर मुहर लगा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सरगुजा से मंत्री अमरजीत भगत, बस्तर के सांसद दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और 3 बार के विधायक लखेश्वर बघेल के नाम की चर्चा है। इस मामले में मरकाम का कहना है कि उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, अब हाईकमान जो भी निर्देश दे वो मान्य होगा। मेरा कार्यकाल जो 3 साल का था वो पूरा हो गया है। हाईकमान का जो भी दिशा निर्देश होगा उस दिशा निर्देश को एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है और जो भी दिशा निर्देश होगा उसको हम लोग सब पालन करेंगे। पीसीसी डेलीगेट्स की इस बैठक से यह स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के लिए अब चुनाव नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाना है इसका फैसला हाईकमान लेगा। अब देखना होगा कि हाईकमान किसके नाम पर मुहर लगाता है। स्वप्निल कौरखेड़े, INS 24/7, रायपुर।